बहुत ही एक सुधांशु जी ने हमें सुअवसर प्रदान किया कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का जो प्रतिष्ठित ठाकुर प्रसाद कॉलेज है उसके वेबिनार में बोलने का मौका दिया जाए। और विषय भी बहुत अच्छा है कि कोरोना का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। इस विषय पे बहुत दृष्टि से बहुत विचार आ चुके होंगे। मैं इस एक अलग विषय इसी इस विषय को अलग ढंग से देख रखना चाहता हूं। वह विषय होगा कि जो कोरोना आपदा है, कोरोना बीमारी है, जो महामारी है, इसमें हमारी भारतीय चिंतन दर्शन है वह है हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और किस तरह से सहायक हो सकते हैं। इस दृष्टि को मैं समेटने का प्रयास करूंगा और जो 20 मिनट का मुझे समय दिया गया है कोशिश करूंगा कि 20 मिनट के भीतर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये चूंकि इस पर बहुत से विचार आ चुके होंगे कि कोरोना क्या है, फिर भी संक्षेप में मैं रखना चाहूंगा कि आज जो कोरोना घराने का कोविड-19 नामक वायरस है, जिसे चाइनीज वायरस भी कहा जाता है, चीन के वुहान शहर से चलकर इसने अपना फैलाव पृथ्वी के लगभग सभी देशों तक कर लिया है। यह वायरस अति सूक्ष्म है, इसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह प्राणियों, खासकर स्थूल प्राणियों, विशेष रूप से मनुष्यों, स्थूल प्राणियों में विशेष विशेष रूप से नहीं, स्थूल प्राणियों में विशेष मनुष्यों के लिए बहुत ही घातक है। यह अपना दुष्प्रभाव हमारे शरीर के प्राणवायु की गतिविधि के संचालक फेफड़ों पर ज्यादा डालता है। हमारे फेफड़ों को जकड़कर प्राण वायु के आने जाने अर्थात श्वास प्रवास के जो मार्ग हैं उसको अवरुद्ध कर देता है, तथा साथ ही हमारे शरीर के जो आंतरिक कोमल अंग हैं, लिवर, किडनी, इनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर असंतुलित कर देता है। इसका दुष्प्रभाव इतना भयानक है कि आज सभी देश लॉकडाउन की स्थिति में चले गए हैं, अर्थात स्वयं को स्वयं की गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूर हो गए। आज इस वायरस का प्रभाव वैश्विक रूप स्वरूप का है, महामारी है। ये तो हुई संक्षिप्त, और इसका प्रभाव शारीरिक से ज्यादा आज मानसिक रूप से ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों में एक तरह का भय व्याप्त हो गया है। तो इस भय को दूर करने में, इस महामारी को दूर करने में किन हमारे जो चिंतन पद्धतियां हैं वो कहाँ तक सहायक हो सकती है, कहाँ तक सहायक हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहाँ क्लियर रखना चाहता हूँ कि जब भी मैं कहूँ कि हमारे परंपराएं, चिंतन पद्धति, चिंतन दर्शन, इसका अर्थ ये है कि जो हमारे ऋषि मनीषी हैं उन्होंने लंबी अवधि तक, सदियों तक इसका प्रयोग किया, शताब्दियों तक इसको परखा, निरीक्षण किया, परीक्षण किया, तत्पश्चात इसे हमारे जीवन के उपयोगी लाभदायक स्थिति के लिए स्वीकार किया। सबसे पहले लॉकडाउन की चर्चा करें, या तो इसके बढ़ने से पहले ये एक बात और है कि हमारी जो भारतीय चिंतन दर्शन है जिसमें वेद, पुराण, दर्शन, साहित्य, लोक परंपरा सभी सम्मिलित है, किसी भी आपदा की स्थिति में उसे बाहर निकलने के लिए क्या मार्ग दिखाते हैं, किन साधनों को चुनते हैं आदि, यह विषय बहुत ही व्यापक है। हमारे समृद्ध सनातनी चिंतन दर्शन है में बहुत से मार्ग हैं जिन्हें हम आज आपद धर्म कह सकते हैं। उनमें से कुछ की अति संक्षिप्त चर्चा मैं करना चाहूंगा, आप लोगों की बात अपने विचार को शेयर करना चाहूंगा। और तो जिसमें प्रथम है उपाय के रूप में लॉकडाउन। तो लॉकडाउन को आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यह है जो कोरोना वायरस है इसके चेन को तोड़ने के लिए प्रथमतः और महत्वपूर्ण उपाय के रूप में स्वीकार किया। और अभी चूंकि इसके लिए एक निश्चित दवा भी नहीं निकल पाई है, निश्चित कोई वैक्सीन नहीं निकल पाई है, और न ही कोई बहुत स्पष्ट उपचार समझ में आया है, अतः लॉकडाउन एक कारगर हथियार के रूप में संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया है। तो मैं आप लोगों के बीच यह बताना चाहता हूं कि हम ये एक तो बात ध्यान देने की है कि पहली महामारी नहीं है, और भी इसके पहले भी बहुत सी महामारियां आती जाती रही होंगी, और फिर भी मानव सभ्यता चलते आ रहा है। तो
तो निश्चित ही महामारियों के बीच हमारे ऋषि मनुष्यों ने तब निरीक्षण परीक्षण करके ही कुछ बातें की होंगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं लॉकडाउन को। तो लॉकडाउन जो है ये तो स्पष्ट हुआ कि स्वयं के गतिविधियों को स्वयं से ही रोक लेना या स्वयं में ही सिमटा लेना या अपने घरों के तक ही अपने को सीमित कर लेना, यह लॉकडाउन की स्थिति है। तो ये कोई नई बात नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जब स्थित प्रज्ञ का उपदेश प्रारंभ करते हैं अर्जुन को, तो इसी उपाय की ओर संकेत करते हुए प्रतीत होते हैं। प्रतीत क्या होते हैं, स्पष्टता संकेत है इसी उपाय की ओर। अध्याय संदर्भ के लिए मैं बताऊं कि अध्याय 2 श्लोक 58 जिसमें कहते हैं, यदा संहरते चायम कुर्मो अंगनानिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संस्कृत उच्चारण में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, क्षमा करेंगे आप लोग। अर्थात चूंकि यहाँ कछुए का उदाहरण दिया गया है जो यथा योग्य भी है, जैसे हम जानते हैं कि कछुआ जब चलता है या गति में रहता है तो उसके चार पैर पूंछ सिरादी मिलाकर 6 अंग दिखते हैं, परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियों व 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषय से हटा लेता है अगर उसका इंद्रिया आदि के साथ किंचित मात्र भी संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। मित्रों, ध्यान देने की बात है और समझने की भी बात है कि इंद्रियों का जो विषय वासना है स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी के लिए किसी वायरस से आप से कम नहीं है, अपितु उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी आपदा है। यह जन्म जन्मांतर तक मनुष्य को दुख में ढकेल सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कछुए को उदाहरण देते हैं। अर्थात बाहरी खतरे के वक्त जिस तरह कछुए अपने को अपनी खोल रूपी घर में छिपा लेता है, ठीक उसी तरह जब बाहरी खतरा हो, आपदा की स्थिति हो, महामारी की स्थिति हो, तो तब स्थिति संभालने तक स्वयं को अपने घरों तक सीमित कर लेना चाहिए। आज संपूर्ण विश्व गीता के मार्गदर्शन में ही लॉकडाउन है, ऐसा हम कह सकते हैं, और यह अतिशयोक्ति नहीं। अर्थात जो स्वास्थ्य जो महामारी है ये, इसमें हम निराश नहीं है, हताश नहीं है, मार्ग है, मार्ग पे चल रहे हैं, चलने की जरूरत है। अब वस्तुतः भारतीय चिंतन दर्शन व्यवहार सांस्कृतिक परंपरा स्व व पर एक और अनेक आदि को एक साथ कल्याण भाव को साधकर चलने की रही है। हम सिर्फ अपनी बात नहीं करते, मात्र अपने हित की बात नहीं सोचते, अपितु स्व कल्याण के साथ साथ हम संपूर्ण प्राणियों चराचर आदि के कल्याण का भी लक्ष्य करते हैं। चाहे वह बौद्ध दर्शन के महायान संप्रदाय के बोधिसत्व की अवधारणा हो या विभिन्न दर्शनों में जीवन मुक्त की अवधारणा हो या वेदादि के जो सर्व कल्याण में उद्गार हो या हवन आदि विधान हो, सभी के लिए कल्याण का भाव ही है। यह हम वेदादि इत्यादि का कुछ उदाहरण रखना चाहेंगे, आप लोग समक्ष शेयर करना चाहेंगे। एक बात कि अक्सर हमारे घरों में जो सनातन पद्धति से जुड़े हुए हैं लोग हैं, वो देखते होंगे कि उनके घरों में पूजा पाठ कभी ना कभी कराते ही होंगे, कभी ना कभी हवन कराते ही होंगे, कभी ना कभी कोई अनुष्ठान कराते ही होंगे। तो उसमें पुरोहित जो होते हैं हमेशा एक मंत्र का उच्चारण करते हैं और हम लोग भी सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन को न हमने कभी जिज्ञासा बस पूछा और न उन्होंने बताया, लेकिन क्या वह जो मंत्र शामिल किया होगा वह मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद का 36वां अध्याय का 17वां श्लोक, जो यहाँ बहुत ही प्रासंगिक है और उसके मर्म को समझने की जरूरत है। ओम द्यो शांति रंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्व देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेव शांति सा मा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। अर्थात द्युलोक यानी अदृश्य जगत, ध्यान दीजिए, द्युलोक यानी अदृश्य जगत, अंतरिक्ष यानी नक्षत्र जो दृश्य आकाश है पृथ्वी, उसके सभी घटक जल
औषधियां, वनस्पतियां, संपूर्ण संसाधन में देव इत्यादि भी सम्मिलित हैं एवं ज्ञान सभी संतुलन की अवस्था में रहे, यही कमना की, ये संतुलन की अवस्था में रहे, स्वस्थ अवस्था में रहे, तभी व्यष्टि मतलब कि हम, समष्टि मतलब हम सब, सृष्टि मतलब ईश्वर के द्वारा जो रचना की गई हो, और परमेष्टि यानी कि स्वयं ईश्वर शांत सुखी रह सकते हैं। किसी भी एक का स्वास्थ्य बिगड़ा तो संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। किसी भी आपदा की स्थिति में इससे अच्छी वैज्ञानिक समाधानात्मक आपदा धर्म की व्याख्या मार्गदर्शन शायद ही संभव, हालांकि हमारे चिंतन दर्शन में और भी मार्ग हैं। बस हल्का सा उसकी ओर संकेत में करना चाह रहा हूं, वह इस विषय पे फिर कभी जरूरत हुई तो बोले, लेकिन क्या यह जानते हैं कि हम जो भी स्थिति आती है हमारे कहीं ना कहीं हमारे कर्म उसमें सम्मिलित होते हैं। आज भी यह चर्चा का विषय है कि यह वायरस मानव द्वारा लैब में परीक्षित है या प्रकृति के द्वारा हमारे छेड़छाड़ के कारण से उत्पन्न हुआ है, यह विवाद का विषय है। लेकिन हमारे जो ईशावास्योपनिषद है उसका पहला अध्याय का पहला श्लोक को याद करें, जो दर्शन के विद्यार्थी हों ध्यान उनको जरूर पता होगा, या वही श्लोक यजुर्वेद में 40वां अध्याय का पहला श्लोक है, ईशावास्योमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्य सिद्धनम्। इसका सीधा सा अर्थ है कि ईश्वर की सृष्टि में जो कुछ भी सृष्ट है, वह जो कुछ भी सृष्टि में सृष्ट हुआ ईश्वर की सृष्टि द्वारा ही सृष्ट है, ईश्वर में ही है। हमें अपनी जरूरतों के लिए उसमें से त्याग पूर्वक दोहन करें, शोषण नहीं, अर्थात त्याग पूर्वक जीवन जिए, अपने लोभ की पूर्ति के लिए, लालच की पूर्ति के लिए उसका शोषण नहीं करें। और ये हम अपनाएं तो निश्चित है हमारा स्वास्थ्य और इस तरह की स्थितियों से बच सकते हैं। इस विषय पर चर्चा फिर कभी करें, हवन आदि की हम चर्चा करें, तो हवन आदि की चर्चा हम इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि हमारे जो सनातनी चिंतन दर्शन में यज्ञ हवन आदि का काफी महत्व रहा है। हमारे इस कर्मकांड के पीछे हमारे प्राचीन मनुष्यों का की जो सोच रही है वह उसे हम या वैदिकों का अंधश्रद्धा या अंधविश्वास नहीं कह सकते, अपितु भरपूर विज्ञान से युक्त वैज्ञानिक शोधोपरांत, जैसा कि हमने पहले कहा शोधोपरांत निष्कर्ष, सार्थक निष्कर्ष रहा है, उनका स्पष्ट विश्वास रहा है कि यज्ञ से वायुमंडल को शुद्ध किया जा सकता है। क्योंकि यज्ञों में हवन का आवश्यक विधान है, और आज एक तरह से विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हवनादि से विषाणु रोगाणु का नाश होता है। अब एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कुछ बुद्धिजीवी कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन विज्ञान अभी तक का स्थापित विज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड का 4% हिस्से से ज्यादा तक पहुंच नहीं बना पाया। यदि मैं एक ब्लैक उदाहरण के रूप में ब्लैक बोर्ड का उदाहरण मैं दूं और उस पर पृथ्वी का अगर नक्शा मैं बनाऊं तो उस पर नीडिल के बराबर उसका स्थान होगा। तो पृथ्वी की बात ये हुई, और पृथ्वी पर हम एक मनुष्य हैं तो हमारा चिकित्सा विज्ञान भी काफी आगे बढ़ चुकी है। रोग भी चिकित्सा विज्ञान के लिए चुनौती है अभी, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो चिकित्सा विज्ञानी हैं, जल्द ही इसका निदान खोज लेंगे। हम उनके लिए शुभकामना भी व्यक्त करते हैं यहाँ इस मंच से, वो जल्दी से जल्दी अपने प्रयास में सफल हों। लेकिन हमारा चिकित्सा विज्ञान भी जो इस पृथ्वी पर एक प्राणी मात्र हम मनुष्य हैं, जो उसका मस्तिष्क है उसके 4% हिस्से तक नहीं पहुंच पाए, उससे ज्यादा नहीं पहुंच पाए। इसीलिए शल चिकित्सा की दृष्टि से मस्तिष्क की शल चिकित्सा काफी कठिन मानी जाती है। उसी तरह पृथ्वी का जो समंदर है उस तक भी 4% से ज्यादा हमारे विज्ञान की पहुंच नहीं हो पाई है, वर्तमान विज्ञान की। मैं ये नहीं कहा हूं कि इसके पहले लोग नहीं पहुंचा, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिससे हम आज नहीं समझ रहे हैं उसे ढकोसला कह नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसके तथ्य को, मर्म को समझने की आवश्यकता है और वो देखने की आवश्यकता है कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। अब उदाहरण के रूप में हवन आदि का जो हमने उदाहरण दिया उसमें से आप देख सकते हैं यजुर्वेद का पहला अध्याय का 15वां श्लोक,
दूसरा अध्याय का 19वां, 20वां, चौथा का दूसरा आदि, इसी तरह कई श्लोक हैं, उनका सार संक्षेप। चूंकि समय हमको 20 जो समय दिया गया है, मैं निश्चित तौर पर 20 मिनट भीतर या एक दो मिनट पहले ही अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा, उसको लक्ष्य करते हुए बस उसका सार सारांश में ये बता रहा हूं कि हमारे ऋषियों का स्पष्ट उद्गार रहा है कि यज्ञ वर्षा का हेतु है। यज्ञ करने से वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा संसार में अत्यंत सुख की सिद्धि हो सुख सुख का सुख सिद्ध होता है। यह जीवन के साथी जो वनस्पतियां हैं का भी हेतु है, और वनस्पतियां हम जानते हैं कि औषधियां भी हैं, और औषधियां सुख कारक होती हैं। भाव यही है सर, यही समझने की आवश्यकता है कि जो हमारे यहाँ मार्ग हैं, और इन महामारियों से लड़ने के लिए, शरीर स्वास्थ्य को उत्तम करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए, और इससे लड़ने के लिए मार्ग हैं, बस उस ओर देखने की जरूरत है, और उसे किसी आग्रहवश ठुकराने की जरूरत नहीं, उसे स्वीकार करने की जरूरत है। आगे अब जैसे हमारे यहाँ जो स्थापित, जब मैं शुरू में ही कहा कि जो मैं कहूँ कि हमारी परंपरा, तो अर्थात स्थापित विज्ञान, परीक्षित विज्ञान को निष्कर्ष के रूप में स्वीकार करके परंपरा रूप में धर्म का अंग हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया, इस रूप में मैं स्वीकार कर रहा हूं, और इसी रूप में अपनी बात को रख रहा हूं। अब जैसे पेड़ पौधों का पूजन का मामला हो, या पूजन विधि में उनका प्रयोग, तो सनातन रूप से चली आ रही ये जो परंपरा है, क्या यह, इसे हम चूंकि पूरी तरह नहीं जानते हैं, इसलिए ठोसला कहकर कम देने से काम नहीं चलेगा। इसको देखना पड़ेगा कि इसमें विज्ञान है कि नहीं, हमारे लिए आज हितकर है कि नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानस स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हितकर है, ये देखने की जरूरत है। निश्चित ही इसमें पूरा का पूरा वैज्ञानिक और चिकित्सीय सोच है। अतः बहुत बहुत उदाहरण मैं नहीं लूंगा, दो तीन उदाहरण मैं लूंगा। जैसे आंवला, आंवला च्यवनप्राश का औले, जो औले है उसका मुख्य घटक है, और इसके गुणों की व्याख्या करने में निश्चित ही एक ग्रंथ की रचना करनी होगी, और बहुत से ग्रंथ लिखे भी गए हैं इसके गुणों पर, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और व्यवहारिक दृष्टि से। संक्षेप में चरक ऋषि के अनुसार अगर हम कहें तो कफ वित पात संबंधित दोषों को दूर करने वाला, अर्थात अग्नि दीपक व पाचक है, अर्थात यह त्रिदोष नाशक है। त्रिदोष मतलब कफ वित और वात नाशक इसे माना गया है। उसी तरह तुलसी को सर्व रोग निवारक जीवन शक्ति वर्धक औषधि माना गया है। महर्षि चरक के उक्ति को एक उदाहरण के रूप में मैं यहाँ रखना चाहूंगा कि महर्षि चरक ने कहा, कफानील विष श्वास काश दुर्गंध नाशन है, पित कृत कफ वात धना सुरसह समुदा हिलता। अर्थात तुलसी वात कफ विष विकार श्वास खांसी दुर्गंध नाशक है, कफ और वात को विशेष रूप से नष्ट करती है। अब पूजन सामग्री में देखेंगे कि हरिद्रा अर्थात हल्दी, यष्टि मधु अर्थात मूलहटी, हरड़ अर्थात हरे हरित, इन सभी का बहुत ही प्रयोग होता है शुभत्व के रूप में, शुभ मानकर पूजन सामग्री में इसका शुभ का हम किसे कहेंगे, जो हमारे समाज के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे हित के लिए, जो हितकर हो, जो जिसका प्रभाव हितकर हो, उसे हमने शुभ कहा है। तो निश्चित ही यह शुभ, इसीलिए यह शुभत्व के हेतु के रूप में, हमारे प्रतीक के रूप में, शुभत्व के प्रतीक रूप में हमारे अनुष्ठानों में इसका प्रतीकात्मक इस्तेमाल होता है, प्रतीकात्मक प्रयोग होता है, जबकि यह वैज्ञानिकता से और शुभत्व से पूर्णतः ओतप्रोत है। अब जैसे आज कोविड के समय में, कोरोना काल में, यह तो अमृत रूप में एक तरह से स्वीकृत होते जा रहे हैं। आज यह हमारे भारत की धरती से निकलकर विश्व के अन्य देशों में यह भारतीय परंपरा स्वीकार की जा रही है कि नहीं, हल्दी बहुत ही गुणकारी है, आंवला बहुत ही गुणकारी, इसको स्वीकार करने की जरूरत है। इसे आज जो बुद्धिजीवी आग्रह दुराग्रह बस हमारी इन परंपराओं को, इन चीजों को ढकोसला करते रहे हैं, या जो इसको तिरस्कार की दृष्टि से देखते रहे हैं, या जिसको महत्व नहीं देते रहे हैं, आज उनको समझ में आ गया है कि नहीं, यह स्थापित परीक्षित निरीक्षित विज्ञान का प्रतिफल है कि हमारी परंपरा पूरी तरह से आधुनिकता से युक्त है,
बस इससे आंख बंद कर संरक्षण, मतलब कि इसे युगानुकूल रूप में स्वीकार करने की जरूरत है, जहां जरूरत हो उसको परिवर्तित परिवर्तन करके स्वीकार करने की जरूरत है, पूरी तरह से इनकार करने की जरूरत नहीं है। और यह एक आज संपूर्ण विश्व के लिए जीवन दैनिक रूप में सिद्ध हो चुके आदि आदि। अब एक छोटा सा उदाहरण एक ले रहे हैं, जो भारतीय परंपरा की देन है, जिसे संपूर्ण विश्व ने स्वीकार कर लिया है और जिसे योग दिवस के रूप में 21 जून को संपूर्ण विश्व इसको योग दिवस के रूप में मनाता है, वो हमारी भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा को मान्यता देना है संपूर्ण विश्व के द्वारा, न कि कुछ और। और यह हम जानते हैं, इस पे तो बहुत चर्चा सब लोग कर सकते हैं, हम संक्षिप्त में ये बात करेंगे कि यह जो हमारा योग का जो आसन है, चाहे वो मुंडक आसन हो, चाहे पवनमुक्तासन हो, जो यह हमारे कोमल जो जिसपे कोविड का प्रभाव होता है उसको यह सुधारने में काफी सहायक होते हैं, उसे मजबूत करने में सहायक होते हैं। चाहे प्राणायाम हो, चाहे प्राणायाम में कपालभाति हो, या अनुलोम विलोम हो, या भस्त्रिका हो, चाहे जितने भी हो, ये सब हमारे अंदर एक सेना तैयार करते हैं, ताकि इस तरह की महामारियों से हम स्वास्थ्य शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह से लड़ सके, इन्हें खत्म कर सके। ये हमारे योग विद्या की, हमारे विज्ञान की, हमारे स्थापित विज्ञान की ताकत है। अगर मैं संक्षिप्त रूप से कहूं कि जो हमारे जो चिंतन पद्धति है, चिंतन दर्शन है, सनातन चिंतन दर्शन, यह जो संस्कृति है, सर्व कल्याणकारित्व, जीव कल्याणकारित्व की रही है। इसके केंद्र में विरोधी भावनाओं को जीतकर, अब मैं निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ रहा हूं, चूंकि समय भी बढ़ते जा रहा है, जल्द ही 2-3 मिनट में मेरा हो जाएगा समय, और मैं 2-3 मिनट 3-4 मिनट के भीतर मैं समाप्त भी कर लूंगा। भावनाओं को जीतकर समता, इसके केंद्र में विरोधी भावनाओं को जीतकर समता, ममता, सहृदयता आदि कोमल मानवीय भावनाओं से युक्त जीवन उपयोगी अविरल सनातन विचारधारा प्रवाहित होती है। ये हमारी संस्कृति है। भारतीय चिंतन दर्शन विश्व में मानव को मानवता, प्रेम, भाईचारा रूपी कोमल मानवीय, इसे प्राणवीय कहना ज्यादा उचित होगा, प्राणवीय भावनाओं के साथ साथ प्रकृति के कण कण से अपनापन, प्यार, संरक्षण भाव का है। यह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति के मार्गों को बताने वाली शाश्वत चिंतन पद्धति है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि विश्व बंधुत्व, प्रेम, भाईचारा की भावना तथा सभी के सुख प्रदान करने की भावना से युक्त होना है, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब निष्कर्षतः हम कहें तो वस्तु भारतीय चिंतन पद्धति, जो पूर्व में भी हमने कहा है, चिंतन व्यवहार, सांस्कृतिक परंपरा, स्व और पर, एक और अनेक आदि को एक साथ, कल्याण भाव को साथ कर लक्ष्य कर चलने के लिए मार्गदर्शिका की रही। एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा आख्यान कहकर अपनी बात कोविड के संदर्भ में कहना जरूरी है, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मित्रों, जो अभी हमने कहा, इसे हमें स्वीकार करेंगे, मानकर चलेंगे, इनको अपनाएंगे, योग है, ये सारी चीजें हैं, एक नियमित जीवन शैली रखेंगे, तो निश्चित ही हम इस कोरोना से लड़कर पूरी तरह से निकलेंगे, जीतेंगे। और एक छोटी सी कहानी दुर्वासा ऋषि की है, 1 मिनट के भीतर इसे समाप्त कर रहा हूं, कि वह किसी श्मशान से गुजर रहे थे, और जो श्मशान का मालिक थे वह मांस पका रहे थे खाने के लिए, क्षुधा तृप्त करने के लिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जल्दी से मुझे खिलाओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, भस्म कर डालूंगा। बोले कि महाराज आप ये खाएंगे मर, वो उन्होंने कहा कि जल्दी खिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगा, जल्दी खिलाओ। उसने खिलाया, मरता क्या नहीं करता, जीवन बचाने के लिए उसने खिलाया, बड़े प्रेम से खा भी लिए। उस खाने के पश्चात उसने पानी दिया, पानी दिया तो लगे मारने, तुम मांस ये सब खाते हो, ये करते हो, हम तुम्हारा छुआ हुआ पानी पियेंगे, बस प्रतीक के रूप में लेने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। इस संदर्भ में स्वीकार करने की जरूरत है, इसके जो भाव है उसको लेने की आवश्यकता है, बाकी कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं। तब उन्होंने कहा कि तुमने मांस खिलाया, तुमने मांस समझ कर खिलाया, मैंने तो मांस खाया ही नहीं, मैंने तो अमृत खाया, क्योंकि अगर तुम नहीं खिलाते कुछ भी तो मेरा मेरे जीवन की रक्षा नहीं होती, मैं मर जाता भूख से,
तुमने इससे मेरे जीवन की रक्षा हुई, अर्थात इसने यह मेरी अमृत मेरे लिए अमृत के समान है, तुम्हारे लिए भले ही मांस के समान हो सकता है। और पानी नहीं पीने का जो सवाल है पूछ रहे हो, तो सीधा सा अर्थ यह है कि जीवन का पहला लक्ष्य है आत्मरक्षा। तब जब आत्मरक्षा तो अब हो गई, अब लोक धर्म की बात आती है। लोक धर्म कहता है कि मैं मांस मांसाहार तुम करते हो, तुम्हारा छुआ हम पानी पीते हैं, तुमने मांसाहार। तो कहने का अर्थ है मित्रों कि आज यह महामारी काल में, कोरोना काल में, हमें जीवन रक्षा के निमित्त जितने उपाय हों, चाहे योग हो, चाहे हरितिका हो, चाहे वह आमला हो, चाहे तुलसी हो, चाहे व्यायाम हो, चाहे किसी तरह के जो भी विधि माध्यम से हमारे जो यह वर्णित विद्या है, वर्णित उपाय है, इनको स्वीकार करें और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए, लड़कर निकले। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग मजबूती के साथ और मानसिक मजबूती के साथ इसे लड़कर निकलेंगे। इन उपायों पर आगे बढ़कर चलने भर की जरूरत है। मैं आप इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, चूंकि समय भी हो गया। मैं देख रहा हूँ 20-21 मिनट हो चुके हैं, 2-3 मिनट ज्यादा ही हो गए हैं, अतः मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।